नमस्कार दोस्तों, कुछ सालों पहले, लगभग 2.5 से 3 साल पहले, मैंने बर्बेरी सैकोफोलियम पे एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत ज़्यादा बर्बेरी सैकोफोलियम आप लोगों ने यूज़ किया, पढ़ा और समझा। मैं भी सालों से बर्बेरी सैकोफोलियम का उपयोग पिंपल्स के लिए, मेलाज्मा के लिए, कोलाज्मा के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, जो काले धब्बे पड़ जाते हैं उनके लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क लिप्स के लिए, और किसी भी तरह की फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मैं इसे उपयोग में लाता आ रहा हूँ, अपने पेशेंट्स को देता आ रहा हूँ, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इन सालों का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके साथ साझा करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे आप बर्बेरी सैकोफोलियम का उपयोग कर सकते, किसके रिजल्ट्स आपको मैक्सिमम मिले, और किस पोटेंसी में लेना चाहिए, किस कंपनी की यूज़ करना चाहिए कि आपको बर्बेरी सैकोफोलियम सबसे ज़्यादा असर करे और आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्बेरी सैकोफोलियम मदर टिंचर में ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी डाइल्यूशन में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, बर्बेरी सैकोफोलियम ज़्यादातर फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए दी जाती है, जैसे कि पिंपल्स हो गया, मेलाज्मा हो गया, या एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, या चेहरे पर दाग और धब्बे होते हैं, या कालापन होता है, या डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए अमूमन बर्बेरी सैकोफोलियम का उपयोग होता है, और क्लिनिक में ये बहुत रेगुलर यूज़ होने वाली मेडिसिन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पिंपल्स में हम बर्बेरी सैकोफोलियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो, आपको वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो, आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, जो कि सब एक ही ग्रुप की डिसीजेज हैं, तो आपको बर्बेरी सैकोफोलियम मदर टिंचर का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले बर्बेरी सैकोफोलियम मदर टिंचर जो है वो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ SBL की, WSI की, न्यू लाइफ कंपनी की। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि WSI की जो बर्बेरी सैकोफोलियम है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप बर्बेरी सैकोफोलियम WSI की यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपको पिंपल्स में कैसे यूज़ करना है, इसे आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपको इसे पीना है एज अ ब्लड प्योरीफायर, ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। तो बर्बेरी सैकोफोलियम मदर टिंचर WSI के लीजिएगा, उसे आधे कप पानी में, लगभग आधा कप पानी, लगभग मान लीजिए कि 15 से 20 ml पानी लीजिए, उसमें बर्बेरी सैकोफोलियम मदर टिंचर लगभग 20 बूंद डालिए, और इसे आप 2 बार पीजिए, एक बार सुबह और एक बार शाम के टाइम पे, और पीछे जब खाली पेट हो, आप खाली पेट पियेंगे तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो लगभग 15 ml पानी में, 20 ml पानी में, हालांकि ये बहुत कड़वी होती है, जब आप पियेंगे तो आपको बहुत कड़वापन लगेगा, ऊपर से चाहें तो आप थोड़ा पानी और पी सकते हैं। तो आप सुबह शाम पियेंगे, ये बहुत कड़वी है, और इससे जो ब्लड प्योरीफायर जैसा असर करती है, और आपके जो पिंपल्स हैं वो सूखने लगते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो आप इसे पी सकते हैं पिंपल्स में, एक्ने में, ब्लैक हेड्स में और वाइट हेड्स में। अब आप इसे लगा भी सकते हैं। लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप बर्बेरी सैकोफोलियम मदर टिंचर दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, और एक गुलाब जल के साथ मिला के लगा सकते हैं। तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो गुलाब जल के साथ मिला के लगाएं, और जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है वो डायरेक्टली इसका उपयोग करें। तो अगर आप इसे डायरेक्टली लगा रहे हैं तो सिंपली आप बर्बेरी सैकोफोलियम रुई में आप अच्छे से भिगो लीजिए और चेहरे पर इसे लगा लीजिए। उससे पहले चेहरा थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा, नॉर्मली पानी से भी साफ कर सकते हैं, फेस वॉश का भी उपयोग कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो बस आप इसे लगा लीजिए, लगाने के बाद इसे कुछ देर तक लगे रहने दीजिए, लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, या रात में लगा रहे हैं तो रात भर लगे रहने दीजिए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसे आप दिन में 2 बार ज़रूर लगाएं, सुबह और शाम को, अगर आपकी स्किन त्वचा सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, या आपने कभी पहले बहुत सारी क्रीम उपयोग की है और इसके कारण जो त्वचा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। तो करना क्या है, आपको बर्बेरी सैकोफोलियम मदर टिंचर 20 से 25 बूंद लेना है, और 20 से 25 बूंद लगभग बराबर मात्रा में आपको गुलाब जल उसमें मिला लेना है, मान लीजिए चम्मच में ही आपने बर्बेरी सैकोफोलियम 20-25 बूंद डाला, 20-25 बूंद उसी चम्मच में गुलाब जल डाल लिया, और रुई लिए और रुई में उसको अच्छे से पोंछे, और उसके बाद चेहरे पर अच्छे से आप लगा लीजिए।
तो बस आपको सुबह और शाम लगाना है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको लगाने के लिए सुबह लगा लिए, उसके बाद चेहरा सिंपल पानी से धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 मिनट बाद आप इसे धो लीजिए। इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो बस आप इसे रेगुलर यूज़ करें। ज़्यादातर 15 दिन में पेशेंट ठीक होने लगता है और लगभग 1 से 1.5 महीने में पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके पिंपल्स की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम सब ठीक हो जाती है। तो अब चलते हैं मेलाज्मा की तरफ। दोस्तों, मेलाज्मा एक ऐसी बीमारी है जो इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। मतलब इंटरनल आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जिसके कारण मेलाज्मा आपको बाहर दिखने लगता है। ज़्यादातर ये प्रेगनेंसी के बाद होता है, लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी के पहले और यंग एज में भी आपको मेलाज्मा दिखता है। कुछ मेल्स में भी आपको मेलाज्मा टाइप के हाइपर पिगमेंटेशन दिखता है। तो हाइपर पिगमेंटेशन हो या मेलाज्मा कोलाज्मा हो, आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम लगाइए। लगाने का तरीका वही सेम है जैसा कि मैंने पिंपल्स में बताया। इसे आप दिन में 2 बार लगाइए। स्किन सेंसिटिव हो तो गुलाब जल के साथ मिला के लगाइए, सेंसिटिव ना हो तो डायरेक्टली आप इसे यूज़ करें। ये मेडिसिन लगातार लगाएंगे तो पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये जो मेलेनिन पिगमेंटेशन है उसको कम करती है, जिसके कारण जो स्किन है वो निखर कर बाहर आती है और गोरापन आता है। तो पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर ये मेडिसिन का उपयोग ज़रूर करें। अब चलते हैं फेयरनेस की तरफ। तो फेयरनेस में भी बर्बेरिस एक्वाफोलियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसे आपको सिर्फ लगाना है। लगाने का तरीका वही है जो मैंने आपको पिंपल्स में बताया है। इसे आप दिन में 2 बार लगाते रहें। लगाएं कब तक? मेलाज्मा में, फेयरनेस में इसका उपयोग थोड़ा लंबा आपको करना पड़ता है। 1 महीने में आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। 1.5 से 2 महीने में काफ़ी अच्छा हो जाएगा चेहरा। 3 से 4 महीने में आपका चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे आप फिर बंद करना ही नहीं चाहेंगे, तो कुछ लगाते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, तो चेहरा बहुत बढ़िया दिखेगा। इसके किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगातार इसे यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम फेस की प्रॉब्लम में ज़रूर यूज़ करें। अब चलते हैं किसी और प्रॉब्लम में। तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपके चाहे पीठ में हो, कभी कभी पीठ में इरप्शंस होते हैं, पीठ काली पड़ जाती है, एक प्रॉब्लम होती है किसी किसी की गर्दन काली हो जाती है, कभी कभी यहाँ पर स्किन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ की स्किन काली और मोटी हो जाती है। तो कहीं पर भी स्किन, आपकी त्वचा जो है वो काली और मोटी और भद्दी से दिखने लगे उस एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो वहाँ पर आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर ज़रूर लगाएं। और बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर रुई के साथ मिला के आप लगाएं, इसे साफ करें दिन में 2-3 बार। धीरे धीरे पिगमेंटेशन हटेगा, जो स्किन मोटी हुई है वो भी हट जाएगी और ठीक हो जाएगी। इसमें आप एंटियम क्रूट का भी उपयोग कर सकते हैं। पीने के लिए एंटियम क्रूट 200 2 बूंद सुबह शाम पियेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। बर्बेरिस एक्वाफोलियम की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। इसको लगातार आप यूज़ कर सकते हैं। स्किन सेंसिटिव वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, स्किन जिनकी ठीक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन है आपकी, सूखी त्वचा है, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है चेहरे से, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और आपका चेहरा चिपचिपा है, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का टेक्स्चर हो आपके स्किन का, आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसे आप लगातार यूज़ करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीजिए, तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दीजिए, तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है, तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दीजिए, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।